हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका जो 16 फरवरी को जो है बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोग 16 फरवरी के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें आपको मात्र यह चीजें पढ़नी है, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, अब आपको सिर्फ यही पढ़ना है और यही पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इधर उधर की जो भी चीजें हैं आपको उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, देखिए आपके यहां 20 टॉपिक है, यानी कि मैं आज के इस वीडियो में आपको 20 टॉपिक बताऊंगा और बचा हुआ टाइम जो भी है उसमें यह 20 टॉपिक सिर्फ आपको इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। जो चैप्टर बताऊंगा और जो भी चीजें बताऊंगा सिर्फ आपको सिर्फ यही पढ़ना, समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका यहां पर 10 नंबर के लिए आता है। और जो आपका क्लास 12th की बात करें तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर में, इसमें आपका हिंदी गद्य से, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से आपका 5 नंबर के लिए आता है। और ठीक इसी प्रकार से 5 नंबर जो है आपका काव्य से, यानी कि हिंदी पद्य साहित्य से भी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर कैसे पक्का करना है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव पर 2 वीडियो बनाए हैं, अब 2 वीडियो मैंने आपको जो है, एक वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन लिए हैं और एक वीडियो मैंने आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन लिए हैं। तो अर्थात आप अगर 80 से 85 वह क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहां पर आपका बोर्ड एग्जाम भी 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो माने कि आपको 10 नंबर यहां से क्लियर करना हो, बाकी देखिए मैं आपको बहुत ही कम टाइम में ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपकी जो तैयारी हो अच्छी हो सके। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, यानी कि जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग बिल्कुल इसको आगे तक देखिएगा। इसके बाद यहां पर आपका आता है महत्वपूर्ण गद्यांश, और यह भी 10 नंबर का टॉपिक आपका होता है। इसमें 10 नंबर में आपके देखिए किस प्रकार से जो है गद्यांश आते हैं और उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर देखिए पढ़ना है। अब आपको तो यहां पर आपको देखिए 2 चैप्टर मात्र अब ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर पर फोकस करना है सबसे ज्यादा। चैप्टर नंबर 1 आपका यहां पर आता है राष्ट्र का स्वरूप, तो इस पर आपका वासुदेव सर अग्रवाल जी का है, तो इसको आप लोग बिल्कुल पढ़ डालिए, यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक उठाना। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि अब आपको बुक से नहीं पढ़ना, ठीक है, बुक आप लोग रख दीजिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो भी आपके प्रकाशन की जो मतलब जिससे आप लोग पढ़ते हैं उसको आप पहले उठाइए और उसमें आपको जो है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर में जितने भी आपके गद्यांश हैं उनको आप एकदम रट डालिए। उसके बाद आपको यहां पर पढ़ना है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी 2 चैप्टर के अलावा आप एक भी मत पढ़िए, आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो सिर्फ आपको दोस्तों यह 2 ही पढ़ने हैं और इन 2 को पढ़ने के बाद आपका बिल्कुल यहां समझ लीजिए 10 नंबर जो है वह 100% गारंटी के साथ पक्का होने वाला है। और इन दोनों में से देखिए पहला जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, यह यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आता है एक पैसेज, तो एक आपका अथवा में आता है तो आपका यहां से एक तो बनने ही वाला, तो आप सिर्फ इसी से पढ़ लीजिए। तो यानी कि 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद यहां पर देखिए पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में आपको यहां से देखिए मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से आपसे पढ़ना है। तो पहला आपका पवन दूतिका से पढ़ना, यानी कि जो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल एकदम पढ़ लीजिए, इससे आपका एक जो है पैसेज आने वाला है, यानी कि पद्यांश आने वाला है। और पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं इस पर जस्ट एक वीडियो आने वाला है, तुरंत इस वीडियो के बाद आपको वह वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर श्रद्धामनु चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, और यहां पर कैकेयी अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का, तो ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ लेना है और 3 टॉपिक से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है 100% गारंटी के साथ। तो ये आपका यहां पर 10 इसका पक्का और 10 यहां पर इसका पक्का, बस आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं उन पर मैं देखता हूं कि आपके इसी से जो है ज्यादातर आपके पैसेज गद्यांश और पद्यांश पर आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ यह 5 टॉपिक पढ़ना बचे हुए टाइम पर और अन्यथा आपको कहीं भी फोकस नहीं करना, मेरी गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 20 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। इसके बाद तीसरा आपका यहां पर समाप्त होता है, 4th टॉपिक आपका देखिए यहां पर आता है कहानी, जो कि 5 नंबर के लिए आती है। कहानियों में आपको कौन कौन से पढ़ने, तो देखिए कहानी में आपको सिर्फ यहां पर 2 कहानियां बताऊंगा और 2 अगर आप नहीं पढ़ सकते तो
सिर्फ आप लोग पंच लाइट ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य और इसका सारांश कैसे लिखना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया, तो आप देख सकते हैं। बाकी पंच लाइट कहानी आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट, पंच लाइट से आपका आता ही आता है। यहाँ पर सारांश और इसका उद्देश्य मतलब एक प्रकार से लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, 80 शब्दों में इसकी शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपको लिखना है। एक बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कई सारे बच्चों के कि भैया इसको 80 शब्दों से हमें क्या 100 से ज्यादा लिखना पड़ेगा तभी एग्जामिनर हमें नंबर देंगे या इससे कम लिखने पर हमें नंबर देंगे। तो देखिए मैं आपको डाउट बता देता हूं कि आपको देखिए कॉपी में जितनी शब्द सीमा क्वेश्चन पेपर में रहती है उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। सॉलिड तरीके से आपको लिखना है, अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट करना है ना, ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें जो भी आपके मतलब सॉलिड तरीके से आपको लिखना है, इधर उधर की बातें जो भी है नहीं लिखना है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दो है मतलब दो कहानी आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता है लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय। तो इसमें आपको देखिए लेखकों में दो जीवन परिचय तैयार करने हैं, पहला आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कवियों के जीवन परिचय में बात करते हैं यहाँ पर आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का, महादेव वर्मा जी का और मैथिली शरण गुप्त का। तो ये आपको 5 जीवन परिचय तैयार करना है और 5 जीवन परिचय पढ़ने के बाद आपका 2 बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 2 आपको करने के लिए आपका 10 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पक्का होने वाला। तो ये चीजें आपको पढ़ना है, इसके अलावा मैंने बता दिया सारी चीजें। इसके बाद हमारे 6 टॉपिक यहां से कंप्लीट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका 7वां टॉपिक क्या है और उसमें क्या पढ़ना है तो अभी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपका दोस्तों 7वां टॉपिक है वह आपका है अपने जिले पर निर्धारित खंड काव्य, यानी कि जो खंड काव्य पूछ जाते हैं 5 नंबर के लिए, ये तो आपके जिलेवार होते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपके जो जिले में जो भी खंड काव्य पूछा जाता है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, और इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आने वाला है, तो आपको उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उसमें डाउट ना हो, बाकी आप देखिए अपने अनुसार तो अब तक आपको पता चल भी गया होगा, यानी कि आपने स्कूल टीचर से भी पूछ लिया होगा, तो ये आपके जिले अनुसार होता है, तो इसमें आपका तो समझ लीजिए 5 नंबर पक्का ही है। इसके बाद यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्य की बात करें तो आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला आपका संस्कृत भाषा है महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरा आपका महामना मालवीय। अगर आप संस्कृत भाषा महत्व को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाते हैं तो यहां से आपका 7 नंबर जो आता है, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, ये आपका बिल्कुल संस्कृत भाषा महत्व चैप्टर से एक आपका 100% आने वाला। तो इसलिए आपको बिल्कुल इसको पढ़ के जाना है, यहां से आपका यह पक्का कराएगा 7 नंबर। इसके बाद यहां पर बात करें संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश में आपका जो श्लोक आते हैं उसमें आपका सुभाष रत्नान के जितने भी श्लोक हैं आप इसको पढ़ के जाइए। मैंने देखिए एक के साथ हिस्ट्रा इसलिए लिया है ताकि आपका ये सपोर्ट रहेगा, बाकी जो आपका मेन रहता है वो आपका पहला वाला, जैसे संस्कृत भाषा महात्म चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं और इसमें आपका सुभाषित रत्नान को अगर पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपका एक तो आने वाला, क्योंकि अथवा में रहते हैं, तो ये आपका जो है 7 यहां से और 7 इसका, यानी कि 14 नंबर ये आपका बिल्कुल पक्का कराएगा। और मैं आपको 60 में बता रहा हूं, ये चीजें आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना, इनमें आपको बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही जल्द हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको देखिए यहां पर करा ही रहा हूं, बाकी यहां पर आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह आपका आता है काव्य सौंदर्य, है ना। तो काव्य सौंदर्य में आपको क्या पढ़ना है, यहां पर आपको रस छंद एवं अलंकार। रस में आपको क्या पढ़ना है, तो श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, 3 रस आप इसको इसमें पढ़िए, 2 नंबर आपका यहां से आएगा। इसके बाद आप चौपाई एवं दोहा, आपको छंद के अंतर्गत 2 चीजें पढ़ लेनी है, 2 नंबर का आपका यहां से एक फंसने वाला है। और इसके बाद अलंकार, अलंकार में आपको यहां पर उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार में से आपका जो यहां पर 100% आएगा, तो ये 2 नंबर पक्का कराएगा। तो इसलिए यहां पर 6 नंबर आपका इससे पक्का होगा, तो यानी कि आपको इस पे इतनी चीजें पढ़ लेनी है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में देखिए क्या क्या पढ़ना है। पत्र लेखन में आपका बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आपका 100% एक पत्र आता ही आता है, तो यह आपका 6 नंबर के लिए आता है। तो इसलिए आप लोग बैंक से व्यवसाय के लिए मतलब किसी भी प्रकार से शिक्षा के लिए ऋण लेने के लिए आपको यहां पर इसका एक आवेदन पत्र देना होगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 7वां है नियुक्ति है, तो आवेदन पत्र जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज में नियुक्ति अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपका आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए कि 2 पत्र आपके 2 में से 1 आपका 100% आएगा ही आएगा, और 2 से अलावा आप पढ़िए भी मत, 2 में ही आपका काम हो जाना, 2 आपका बिल्कुल 100% 6 नंबर दिला के जाएगा, बस आपको पत्र लिखने का तरीका आना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है निबंध लेखन। निबंध में आपका पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया, बेरोजगारी और जनसंख्या, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, 4 में से 1 आपका 9 नंबर दिला के जाने वाला है बिल्कुल गारंटी के साथ, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद यहां पर आपका आता है महत्वपूर्ण मुहावरे, संधि विच्छेद, विभक्ति, वचन, शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करा चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाइए और ये सारे टॉपिक यानी कि 4 से 5 जो भी टॉपिक है एक वीडियो मैंने कवर कराया, तो उनको देख लीजिएगा और बाकी अपने से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन बैंक से, तो यहां से इतना पढ़ने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 95+ आना बिल्कुल गारंटी के साथ पक्का है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अगर इतना कर लेते तो आपको विश्वास हो भी जाएगा जब आप लोग क्वेश्चन पेपर वहां पर हल करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल आपको पढ़ लेना, बाकी ये कम समय में
आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल अपना सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।